मैं मोनिका वर्मा, JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था मैग्नेट, तो अपने बात करते हैं मैग्नेट की। तो इसमें अपनों ने बेसिक बातें पढ़ ली थी, तो आज अपने इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। परिभाषाएं चुंबकीय परिभाषाएं। तो चुंबक में काफी डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ध्रुव की। ध्रुव तो ये एक चुंबक है, सबको पता है। अभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक N और S। तो ध्रुव होता कौन सा है? जहां पे चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता ज्यादा हो, मतलब इस पॉइंट पे चुंबकीय शक्ति ज्यादा होगी और सेंटर में बिल्कुल कम होगी। तो ये क्या है? इसके दो ध्रुव है। जिस बिंदु पर चुंबकीय शक्ति ज्यादा हो तो उसे ध्रुव कहेंगे। तो कौन कौन से ध्रुव होंगे? एक N और दूसरा S, दो ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी। तो अब S मान ध्रुव जो होंगे, मान लो उत्तर और उत्तर है, ये दोनों समान ध्रुव है, उत्तर उत्तर, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? हमेशा प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे को दूर धकेल लेंगे। अगर इसके पास कोई दूसरी चुंबक रखते हैं तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। अगर मान लो उत्तर और दक्षिण है तो ये ध्रुव दोनों क्या करेंगे आपस में? आकर्षण। तो ये एक दूसरे को क्या पास खींचेगी? तो इनमें क्या होगा? हमेशा आकर्षण होगा। तो ये तो है ध्रुव। अब अपने बात करते हैं चुंबकीय अक्ष की। चुंबकीय अक्ष, तो चुंबकीय अक्ष क्या होगा? किसी चुंबक में कोई काल्पनिक रेखा जो N और S को दोनों को मिलाती हो तो उसे क्या बोलेंगे? अपने चुंबकीय अक्ष। किसी चुंबक में वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हो तो ये क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष। इस रेखा को अपने क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। अब अपनी बात करते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन अक्ष, तो चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है? ये कोई चुंबक है, ये इसका केंद्र है। तो ये तो हो गया चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष तो इसके केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत रेखा
तो ये क्या कहलाएगी? चुंबकीय उदासीनक्स, चुंबकीय उदासीन अक्ष। तो अपने क्या बोल सकते हैं, किसी चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जानने वाली वहल लंबवत काल्पनिक रेखा चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चुंबकीय उदासीन अक्ष। ये लंबवत होगी, ये क्या होगी? चुंबकीय अक्ष, और ये चुंबकीय उदासीन अक्ष। तो अब अपने बात करते हैं चुंबकीय बल रेखा की। चुंबकीय बल रेखा, तो ये एक प्रकार का काल्पनिक वक्र होता है, ये एक प्रकार का काल्पनिक बंद वक्र है, जो क्या होता है, N से निकल के S तक जाएगा चुंबक के बाहर, N से S की ओर, और चुंबक के अंदर S से N की ओर। तो अपने क्या बोल सकते हैं, यह एक चुंबकीय काल्पनिक वक्र है, मतलब ये एक पूरा चक्कर बन रहा है, इसमें ये अपना एक पूरा रास्ता पूर्ण करेगी। और एक बात, जो भी बल रेखाएं निकलेगी ये कभी भी आपस में काटेगी नहीं, हमेशा दूर दूर रहेगी। बल रेखाएं आपस में कभी भी काटेगी नहीं, ना काटने का रीजन क्या है, इन रेखाओं के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, रेखाओं के बीच में प्रतिकर्षण होता है, रेखाओं के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। अब अपने बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स की। पहले चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाद में फ्लक्स करेंगे। पहले बात करते हैं अपने चुंबकीय क्षेत्र की। तो वह स्थान चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां पे चुंबक अपना प्रभाव रखती हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अपने चुंबकीय क्षेत्र। मतलब इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां चुंबक अपना प्रभाव रखती हो, उसे क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके चारों ओर का क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो ये किससे बनता है, चुंबकीय बल रेखाओं से।
चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा निर्मित होता है, निर्मित होता है। तो अब अपने बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? जो चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या होती है तो उसे अपने क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। किसी चुंबक के बल रेखा के लंबवत कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स कहलाती है। तो इसमें याद रखने वाली बात है भी इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक क्या होता है? तो फाई। फाई को इस प्रकार लिखेंगे अपने। अब आता है इसका मात्रक। मात्रक इसका मात्रक होता है वेबर या फिर मैक्सवेल। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका प्रतीक और मात्रक। तो अब एक वेबर बराबर मैक्सवेल कितने होंगे? मैक्सवेल होंगे 10^8। ये तो हो गया चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबक में, विद्युत चुंबक में अपने देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या रहेगा। तो फाई बराबर फॉर्मूला होता है Ni बटा में Rm। तो N आ गया यहाँ पे, फाई तो है फ्लक्स, फ्लक्स N बल रेखा, I करंट और Rm क्या है? रिलेक्टेंस अपने बोल सकते हैं इसको, प्रतिष्ठंभ। इसकी डेफिनेशन अपने आगे देखेंगे। अब बात करते हैं अपने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो क्या बोल सकते हैं अपने? किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो अब इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक इसका प्रतीक होता है बी और इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वेयर। तो इसका प्रतीक तो होता है बी और मात्रक
वेबर प्रति मीटर स्क्वेयर। तो इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर फाइव बटा में ए। तो यहां पे बी क्या है, फ्लक्स घनत्व, फाइव फ्लक्स, और ए यहां पे क्या है, एरिया क्षेत्रफल। तो अपनों ने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व देखा था, जिसका अपने मात्रक देखा था वेबर प्रति मीटर स्क्वेयर, एक तो ये होता है। दूसरा अपने को याद रखना है टेस्ला। एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो अब अपने बात करते हैं एमएमएफ की, एमएमएफ। अब जिस प्रकार विद्युतिक परिपथ में क्या होता है, ईएमएफ होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनों को चलाने का काम कौन करता है, ईएमएफ। तो उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स को चलाने का काम कौन करेगा, एमएमएफ। तो इसका फुल फॉर्म होती है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। तो ये होता है एमएमएफ। तो अपने क्या बोल सकते हैं, जिस प्रकार विद्युतिक परिपथों में इलेक्ट्रॉनों को चलाने का काम ईएमएफ करता है, उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स को एमएफ गति प्रदान करता है। तो इसका प्रतीक क्या होता है, प्रतीक होता है एफ एम, एफ के पैर में एम। तो अब आता है इसका मात्रक एम्पियर। टर्न फॉर्मूला होता है इसका एफ एम बराबर एन आई। एन क्या है, लपेटों की संख्या, कॉइल के लपेटों की संख्या, आई धारा, और एफएम एमएमएफ मैग्नेटो मोटिव फोर्स। तो अब अपने बात करते हैं प्रतिस्तंभ की, रिलक्टेंस। प्रतिस्तंभ ये आप बोल सकते हैं, आप रिलक्टेंस। तो अपने जिस प्रकार विद्युतिक सर्किट में क्या होता है, प्रतिरोध होता है जो क्या करता है, धारा के मान में बाधा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार होता है रिलक्टेंस जो चुंबकीय फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करता है। जिस प्रकार विद्युतिक परिपथों में प्रतिरोध रेजिस्टेंस धारा में बाधा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार प्रतिस्तंभ चुंबकीय फ्लक्स में
बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक किससे लिखेंगे इसको? अपने आर एम से। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो ये इसका मात्रक है। बाकी अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।